दिया था कि इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, तो दे दूं ना पंडित जी। तो क्या नाम है, जाति क्या है, जो जातियां ये समाज में बनाई गई हैं ये क्यों बनाई गई हैं और जाति क्या है। तो सबसे पहले आप गीता से जाइए चाहे रामचरितमानस से जाइए, इस संसार में केवल दो जाति है। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन से, दव भूत सर्गे लोके दैवी आसुरी एव च दैवी विस्तर सह प्रोक्तम आसुरम पार्थ मे श्रृणु। अर्जुन, इस संसार में देवता और असुर, जिनका आचरण देवताओं जैसा है वो देवता हैं चाहे किसी जात के हों, जिनका आचरण असुरों जैसा है वो असुर हैं चाहे किसी जात के हों। बाहर जो संसार में जातियां बनाई गई है सदैव थी, कभी यक्ष नर किन्नर नाग ये जातियां थी, आज तमाम जो जातियां उपजातियां लगभग भारत में 5000 से ऊपर हैं, तो विश्व में तो करोड़ों जातियां होंगी, बाकी जितने इंसान उतनी जातियां, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो ये जातियां जो बाहरी हैं ये मात्र बेटी रोटी के लिए, शादी विवाह बंधन संस्कार के लिए बनाई गई हैं कि आप शादी विवाह आप अपने कुल गोत्र में देख करके करें, इसका मात्र यहीं तक संबंध है। जब धर्म की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो हम सब लोग सनातनी हैं और हम सब लोग एक हैं, हम लोग में कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, यहाँ तक इस जाति का सामंजस्य है और यहीं तक होना भी चाहिए और यहीं तक रहेगा, तभी समाज हमारा सुरक्षित रहेगा। अब दूसरा चलिए प्रश्न आया है कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। मानस का एक पद है कि तपस्वी लोग आजकल धनवंत हैं, वास्तव में देखा जाए बाहरी दृष्टिकोण से तो तपस्वियों के पास मतलब के तमाम जो कथावाचक हैं, फलना है ढेकना है, और जनता भले साइकिल से ही चलती रहे लेकिन वो 10-15 बरस में कथा करके जेट प्लेन से चलने लगते हैं, ठीक है ना। तो तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, लेकिन वो तपस्वी नहीं है, वो राम नाम के बिजनेसमैन है। इसका अर्थ जो गोस्वामी जी ने लिखा है, तपस्वी, तपस्वी मतलब साधक होता है, साधु, और वो वास्तव में रियल में धनवंत है, क्योंकि असिला धन जो होता है, जो आपके पास रुपया पैसा है, ये धन नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, अधनवंता सोई जानिए, जह राम नाम धन होए। तो तपस्वी वास्तविक में धनवंत है क्योंकि उसके पास राम नाम रूपी धन है, क्योंकि वो धन है जो खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, अदिन दिन बढ़त सवायो। और दरिद्र गृही, जो गृहस्थ जीवन में अभी है, भगवान का राम नाम नहीं ले रहा है, वो दरिद्र है, उसके पास सब कुछ है, BMW है, वो कथा बोल के जेट प्लेन से चल रहा है, वो बहुत 200 बीघे का कष्टकार है, लेकिन है दरिद्र, क्योंकि उसके पास राम नाम रूपी धन नहीं है। और वो किसके पास है, तपस्वी के पास, जो मन सहित इंद्रियों को तपा के एक परमात्मा में लगाए हुए है। इसलिए तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। दूसरा क्वेश्चन आया था, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज जी इसको बताएं कि भाई ढोल गंवार मतलब शूद्र, विवाद भी चला था इन प्रश्नों पर बहुत सारा पूरे भारत में। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ताड़न शब्द की परिभाषा क्या होती है। जैसे ही आप ताड़न माने समझ जाएंगे तैसे ही इसकी व्याख्या आपके दिमाग में हो जाएगी। ताड़न माने दंडित करना नहीं होता है, ताड़न माने जानकारी होता है। अगर अभी प्यासी जी भजन गाएं आप लोग सुनेंगे और कोई फुटहा गला लेके आ जाए तो आप तुरंत गाड़ी उठाएंगे चल देंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास जानकारी है, भजन की ताड़ना है। अगर इनका सहयोगी नाल वादक नाल बजाए तो लोग सब तना धिन्ना सुनेंगे, और आपको दे दें कि आप बजाइए तो सब कहेगा का ढोलिया फोड़ देव का। तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना मतलब दंडित करना नहीं, आप उनके जानकार बनिए, आप किस तरह से किसको डील कर रहे हैं ये एक प्रबंधक जान सकता है, कौन व्यक्ति कैसे सुनेगा। और दूसरे को अगर 2 दिन के लिए मलिकई दे के चल जाइए, पता लगा आधा स्कूल खाली है,
कोनो नाराज होके भाग गया तो कोनो कहेगा हम अइबे नहीं, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं था ताड़ने का कौन कैसे डील होगा। तो इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशु है कोई गाय दूहने वाला आएगा 3 किलो दूह लेगा जो बढ़िया दूहने वाला होगा, और कभी अगर वो नहीं आए आप जाइए दूहने तो 1 किलो दूध नहीं आएगा। जोतने वाला हर 3 बीघा जोत लेगा एक दिन में, आप जोतिएगा घोड़े कट जाएगा। तो जो जिसका जानकार है, ताड़न शब्द का मतलब जानकार होता है, और शूद्र शब्द का मतलब कोई नीच जात से नहीं है, शूद्र माने होता है अल्पज्ञ। अब यल केजी यू केजी के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो कोई स्पेशलिस्ट ही उसका जानता है, कैसे उसको बैठाएगा, कहेगा रुको टाफी मंगा रहे हैं, रुको अभी अच्छा ये कर रहे हैं पढ़ो, सुई लगा देगा फुसला के लड़का रोइबो नहीं करेगा। तो जो जिसका स्पेशलिस्ट है, तो ताड़न और शूद्र शब्द से विवाद था और कोई शब्द से विवाद नहीं था। लोग कहते ढोल को जैसे पीटता जाता है वैसे शूद्र को पीटोगे तब मानेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये बुद्धिजीवियों की मानसिकता की गलत सोच है और लड़ाने वालों की सोच है। तो इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो जानकार हैं वही ठीक हैं। अब शेष बची हुई जो कथा है कल आप लोगों को 6वां दिन श्रवण कराएंगे। अब समय